एक्सरसाइज 8.3 का ही क्वेश्चन 6। देखिए अब हम जो है 5 की पावर x को y मान लेंगे, तो यहाँ ना एक चीज़ बड़ी है ना, देखो ये 5 की पावर x प्लस 1 थी तो 5 भी मल्टीप्लाई होगा भाई, ब्रेक कर सकते हैं ना, 5 की पावर 1 को अलग कर लो, 5 की पावर x को अलग कर लो। तो फ़ायदा क्या हुआ, ये जो 5 की पावर x है ये तो y हो गई, ये वाला 5 ही है वैसे ही रहा। इतना 5 के स्क्वायर को मैं 25 लिख सकता हूँ, और पावर देखो माइनस x से तो नीचे जाके प्लस x हो जाएगी, यानी y हो जाएगा। 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 1 126। अब देखो बड़ा ही टेक्निकल है सवाल, हम फिर वही LCM लेंगे, ये y इस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25, और ये y इधर आ गया। अब ये 126y इधर आ गया माइनस हो जाएगा। अब देखो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, 525 से 125 होता है, मिडल टर्म को थोड़े मल्टीप्लाई हो गया 125y, ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया 126y। अब ये 125y माइनस y प्लस 125, 5y कॉमन लो y माइनस 25 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन लो 5 माइनस 25 आ जाएगा। तो y माइनस 25 y माइनस 1, y अगर 25 है तो y की वैल्यू हमने क्या ली थी भाई, 5 की पावर x ली थी, ठीक है ये हो जाएगा भाई, और 25 को हम y का 5 का स्क्वायर लेते हैं, बेसिस सेम हो, पावर इक्वल होती है x इक्वल टू 2। तो 1/5 अगर 5 की पावर x है तो ऊपर जाके 5 की पावर क्या हो जाएगी माइनस 1, बेस सेम है पावर इक्वल हो जाएगी x इक्वल टू माइनस 1, x की एक वैल्यू 2 आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी माइनस 1, और यही आपके आंसर होंगे।